देवास शहर में हाट पिपलिया में युवा राजपुताना संगठन की मीटिंग जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह खटांबा के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें गांव-गांव में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने तथा आर्थिक आधार पर आरक्षण देने पर चर्चा की गई। बैठक के पश्चात तहसीलदार अनीता बरेठा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि राजपूत समाज के राजाओं द्वारा भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए लगभग 550 से ज्यादा रियायतें दान की गई थी, लेकिन उसी समाज के गरीब परिवारों को आरक्षण की जरूरत है, लेकिन उन्हें आरक्षण नहीं मिल पा रहा। शनिवार को कई बड़ी जाति के लोग भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। पढ़े लिखे और योग्य होने के बाद भी उन्हें आरक्षण के चलते नौकरी नहीं मिल पा रही है। लेकिन आरक्षित जाति के कई लोग जो कि पूरी तरह से सक्षम एवं धनवान्य हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल लेकिन आरक्षित जाति के कई लोग जो कि पूरी तरह सक्षम एवं धनवान्य हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है। युवा राजपुताना संगठन ने मांग की है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए, जिससे इसका सही उपयोग हो सके। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है तो आंदोलन किया जाएगा। ये मांगे हमारे आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हमने तहसीलदार मैडम को यहाँ पर ज्ञापन दिया है और राष्ट्रपति जी के नाम पर यह ज्ञापन दिया है। और जैसे कि आज हमारे स्वर्ण समाज में सामान्य वर्ग के जो कितनी पढ़ाई करने के बावजूद भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, शासकीय नौकरी से लेकर नहीं प्राइवेट नौकरी तक भी नहीं कर पा रहे, इस विषय से को लेकर हमने यहाँ पर तहसीलदार मैडम को आर्थिक आधार पर आरक्षण करने के लिए ज्ञापन दिया। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।